अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद नदीम रज़ा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रज़ा मैथमेटिक्स। तो व्यूवर्स, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आए वीडियो का आगाज़ करते हैं। अब है हमारे पास पार्ट नंबर 7, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 7/2 एक्स इज़ इक्वल टू माइनस 15/2। यानी जो कॉन्स्टेंट टर्म थी उसको मैंने दाएं तरफ लिख दिया और कोफिशेंट ऑफ एक्स वाले को बाएं तरफ लिख दिया। ये प्लस की थी तो माइनस होगी, और ये प्लस की थी तो इधर आके क्या होगी, माइनस। अब हमारे पास जो एक्स का कोफिशेंट है वो -1 है, तो लिहाजा हम इसको क्या करेंगे, -1 के साथ डिवाइड करेंगे ताकि हमारे पास एक्स स्क्वायर का जो कोफिशेंट है वो एक मुसबत सही अदद आ जाए जिसका स्क्वायर कंप्लीट हो। -7/2 -1 इंटू एक्स इज इक्वल टू -15/2 -1। माइनस के साथ माइनस कैंसिल, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस 7/2 एक्स इज इक्वल टू 15/2, क्योंकि माइनस माइनस कट गया या प्लस हो गया। अब इसका हम स्क्वायर कंप्लीट करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 7/4 प्लस 7/4 स्क्वायर और माइनस 7/4 स्क्वायर इज इक्वल टू 15/2। यानी यहाँ पे मैंने 7/4 बी की जगह पे रखा कि मैं अगर इसको सिंप्लीफाई करूँ तो मेरे पास माइनस प्लस 7/2 ही आता है। तो ये हमारे पास इसका स्क्वायर क्या हो गया, कंप्लीट। एक्स प्लस 7/4 होल स्क्वायर माइनस 49/16 इज इक्वल टू 15/2। 14 किसका स्केयर है, 7 का, और 4 का स्केयर है 16। एक्स प्लस 7/4 होल स्केयर इज इक्वल टू 15/2 प्लस 49/16, क्योंकि माइनस के इधर आगे क्या हो गया, प्लस। तो 16 इसका आ गया एलसीएम। 16 को 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आता है 8। 8 को अगर मैं 15 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो आंसर आएगा 120 प्लस 16 को 16 पे डिवाइड करने से 1 को मल्टीप्लाई करें 49 से तो हमारे पास आंसर आएगा 49। दोनों को ऐड कर देते हैं तो इसका आंसर आएगा 169/16 एक्स प्लस 7/4 होल स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट 2 बोथ साइड एक्स प्लस 7/4 होल स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस 169/16। तो इसका हमारे पास स्क्वायर रूट आ जाएगा एक्स प्लस 7/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 169 का हमारे पास 13 आ गया, और 16 का हमारे पास स्क्वायर रूट क्या आ गया, 4। तो अब हमें इसको एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा एक्स माइनस में लिखेंगे और एक्स का सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। अब इसको एक दफ़ा प्लस में लिख दिया और एक दफ़ा माइनस में, तो एक्स इज इक्वल टू 13/4 माइनस 7/4 प्लस का दरा के माइनस हो गया, 4 इसका हमारे पास क्या आ गया, एलसीएम। तो रहेगा 13-7 एक्स इज इक्वल टू 13 में से 7 माइनस करें तो 6 आएगा, 6/4 6 और 4 दोनों क्या होते हैं, 2 पे डिवाइड हो रहे हैं, तो यह आ जाएगा हमारे पास 3/2 इसकी वैल्यू एक्स की। अब एक्स इज इक्वल टू -30/4 -7/4, तो 4 इसका एलसीएम, -13-7 एक्स हमारे पास इक्वल आ जाएगा -20/4 -20 को डिवाइड करूँ 4 पे तो आंसर आएगा -5 किसकी वैल्यू आ गई एक्स की। तो
तो हमारे पास इसका सलूशन आ गया माइनस फाइव एंड थ्री बाय टू। पार्ट नंबर एट है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस सेवनटीन इंटू एक्स इज इक्वल टू माइनस थर्टी थ्री ओवर फोर, क्योंकि ये प्लस का था तो इसको हमने दाएं तरफ कोफिशिएंट टर्म को लिख दिया तो माइनस की हो गई। तो एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू एक्स, अब यहाँ पे मैं क्या रखूँ कि मेरे पास क्या है जस्ट 17, तो मैं रखूँगा 17 बाय टू, क्योंकि अगर इसको मैं कैंसिल करूँ तो मेरे पास 17x आता है। 17 बाय टू का स्क्वायर और माइनस 17 बाय टू का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 33 ओवर 4। तो ये हमारे पास इसका स्क्वायर कंप्लीट हो गया एक्स प्लस 17 बाय टू होल स्क्वायर। ये वाला फार्मूला कि ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस, अब 17 का हमारे पास स्क्वायर आ गया 289 ओवर 4 इज इक्वल टू माइनस 33 ओवर 4। एक्स प्लस 17 बाय टू होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 34 ओवर 4, माइनस का इधर आगे क्या हो गया प्लस 289 ओवर 4। अब हम क्या करेंगे, 4 इस एलसीएम लेंगे, 4 इसका एलसीएम आ गया तो ये आ गया हमारे पास माइनस 33 प्लस 289। अब इसमें से माइनस 33 करें तो हमारे पास आएगा 256 ओवर 4, किसके इक्वल एक्स प्लस 17 बाय टू होल स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट टू बोथ साइड, ताकि इसका हम क्या करें स्क्वायर कैंसिल कर सकें, होल स्क्वायर इज इक्वल टू 256 ओवर 4 अंडर रूट। तो एक्स प्लस 17 बाय टू इज इक्वल टू प्लस माइनस 256 का स्क्वायर रूट 16 और 4 का हमारे पास आ गया 2। एक दफ़ा प्लस में लिख दिया और एक दफ़ा माइनस में, तो एक्स इज इक्वल टू 16 बाय टू माइनस 17 बाय टू, टू एलसीएम आ गया तो ये आ गया 16 माइनस 17, एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 बाय टू, यानी 16 में से 17 माइनस करें तो माइनस 1 बाय टू आता है। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस 17 बाय टू, 17 इसका टू इसका कैल्शियम आ गया, माइनस 16 माइनस 17 तो आ जाएगा माइनस 33 बाय टू। तो इसका सोल्यूशन सेट हमारे पास आ गया माइनस 1 बाय टू एंड माइनस 3 बाय टू। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट।